ये अन्य तो हमने जो बन कॉल किया है उसको बुलाया था, तो जो बन कॉल किया है उनको आज बात हुआ है और उन लोगों को सरकार का तरफ से और मेरा तरफ से आज डिस्कशन किया है, और उनको पहले भी ऑफर दिया गया है कि डिस्कस करने के लिए, तो उस ऑफर को उन लोगों ने नहीं सुना, तो अभी हमने बोला है कि देखो आपको पहले ऑफर दिया गया है उस हिसाब से प्रेसिडेंट नहीं आया और वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सब आया है, तो हमने बोला है कि 2 बजे तक हमको बता दीजिए कि आप सरकार जो है आपको ऑफर बात करने के लिए बुलाया है, उसको जाना चाहिए, और अल्टीमेटली आप किसके लिए बन कॉल किया, तो आपका कुछ इश्यू है उसको रिजोल्व करने के लिए है, तो सरकार जब आपको बुला रहा है रिजोल्व करने के लिए तो आपको आना चाहिए, तो 2 बजे हमने टाइम दिया है, उन लोग अपना प्रेसिडेंट से डिस्कस करके वो हमको बताएगा। और जहाँ तक ये बन कॉल है ये हमने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है, और जो कार्रवाई करना है वो किया जाएगा, और जितना भी लोगों का सुरक्षित करना और आपका इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और जो लोग बन कॉल करते हैं उसको ऊपर में ऑर्डर पास कर दिया है, इलीगल है, अनऑथोराइज है, और अनलॉफुल एक्ट का अंदर में भी हमने कॉग्निजेंस लिया है और हमने डायरेक्शन दिया है एसपी की पेटेल जो है उसको एक्शन ले, तो ये चलते रहेगा। इसी बीच में उन लोगों को समय दिया है 2 बजे तक, तो 2 बजे तक अगर आप लोग यहाँ आए और हमको बता दें कि पीसफुली चला जाए, और हमने हमारा अच्छा से जितना उनको कन्विंस करना है कन्विंस कर दिया है, और हमने प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को बोला है कि यू टॉक टू योर प्रेसिडेंट इमीडिएटली, डिस्कस करो, मेरा पास समय नहीं है, 2 बजे तक है, तो होपफुली अच्छा होना चाहिए। और मैंने एज ए डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने उनको कानून का हिसाब से भी हमने बात किया, और एज ए सोसाइटी का एज एल्डर हिसाब से भी हमने अपना जो गाइडेंस देना है कि अच्छा सोच विचार को लेके उसको हमारा जो प्रोसीड्योर्स है वो भी सही होना चाहिए। आपको कुछ चीज़ से सरकार से एग्री है, डेमोक्रेटिक मोमेंट करना है तो पर्स यू गो फॉर ये प्रोसेस भी होता है, धरना भी होता है, इवन द हंगर स्ट्राइक भी होता है, दूसरा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वन कॉल जो है वो सभी को प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे चीज़ करना सही नहीं है, और एज ए एल्डर्स हमने जो रिक्वेस्ट करना है कर दिया है, और जो सजेशन देने वो दे दिया, और जो कानून का तौर पे एज ए डीएम उनको जो बात करना है वो भी बोल के भेज दिया है। होपफुली दे आर मेच्योर्ड एंड लर्नेड पीपल एंड दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल कोऑपरेट द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम। सर, सुबह का जो मॉर्निंग स्लॉट में जो आपका मीटिंग हुआ था, एज यू स्टेटेड कि प्रेसिडेंट नहीं आया, वो वीपी आया, तो क्या उनके तरफ से क्या रेस्पॉन्स था व्हेन यू ऑफर्ड कि यू आर रेडी टू यू नो सॉर्ट ऑफ कम टू अ टर्म विद हिम? नहीं, उन लोगों का कहना है कि नॉर्मली द डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट, बट इन प्रिंसिपल उन लोगों ने अच्छा गेस्चर दिया ना, अच्छा से बातचीत हुआ, बहुत अच्छा से सुना, वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है, और वो लोग आके हमसे मिला और हमारा बात को सुना, वो बहुत बड़ा बात है। तो सर, 36 आवर्स बन कॉल ने आपने डिक्लेयर कर दिया इलीगल, यस, व्हाट इफ दे स्टिल प्रोसीड विद इट? इट मतलब लाइकली लाइकली द टर्म इज सच सच कि वो लोग करेगा एंड यू विल कम अप विद इट, लाइक द
स्टेक्स आर गोइंग हाई ऑन दैट, हाँ देखिए देखिए इसमें क्लियरली हमने एसपी को इंस्ट्रक्शन दे दिया बाय ऑर्डर 144 सीआरपीसी को मैंने इन्वोक किया है, अनलॉफुल एक्ट को इन्वोक किया है, एंड अंडर अनलॉफुल एक्ट दे कैन बी अरेस्टेड एंड दे कैन बी केप्ट इन द कस्टडी फॉर मोर देन नॉट मोर देन 15 डेज, दैट इज़ द पावर एंड अथॉरिटी टू द गिवन टू द डिप्टी कमिश्नर बाय द लॉ। तो आप 15 दिन उसको आप हिरासत में रख सकते हैं और एक महीना रखने के लिए होम मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल से अप्रूवल चाहिए, तो मैंने वो इन्वोक कर दिया। वन टू 144 सीआरपीसी जो है वो भी इन्वोक कर दिया कि उस दिन के लिए या उस दिन जब 36 आवर्स का बात है उसको उस दिन के लिए 5 आदमी से ज़्यादा कोई इधर उधर नहीं जाएगा, तो 144 उसमें क्लियर हो गया एंड दिस अनलॉफुल एक्ट यहाँ में क्लियर हो गया कि वो दे कैन गो फॉर द अरेस्ट। ओके सर, बिटवीन दिस लास्ट क्वेश्चन सर, बिटवीन दिस अन्या का वो बन कॉल and everything, COVID cases are also rising up in the capital. Yes. And recently PTC, VKV में भी 37 cases मिला है. उसमें क्या है सर, कैसा आप coordinate कर रहे हैं? नहीं अभी तो कल ऐसे informal discussion था principal secretary health का साथ में, ऐसे अभी काफ़ी ये orders आया है जिसमें आपको आपको मास्क पहनना है, आप पहना हुआ है, मेरा ये नीचे रखा हुआ है, मास्क पहनना है और ये सोशल गैदरिंग मना करना, वो सब चीज़ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी है और असम गवर्नमेंट उसको लागू कर चुका है, कर्फ्यू वगैरह जो है और स्कूल वगैरह भी बंद कर दिया, जो कोविड का जो कल टेस्ट हुआ था उस हिसाब से VKV स्कूल का उसको भी हम कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया कल, तो अभी इस हिसाब से काफ़ी प्रोटोकॉल से अभी उसको एक दो दिन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके देगा, तो उस हिसाब से यहाँ में भी लागू किया जाएगा।